और उन्होंने अपनी फैमिली, उनकी एज, सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, मतलब सब चीज़ों को देखते हम देखते हैं उनका मोराल इतना अच्छा है और वो बहुत कुछ कर रहे हैं अभी हमारे लिए और स्टिल खड़े हैं। और मैं क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स से मेरा ताल्लुक़ वास्ता रहता है, स्टूडेंट्स से मेरा रहता है इंटरेक्शन, तो आई एम कुछ कुछ पॉपुलेशन है जिनसे मेरा इंटरेक्शन है, तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती है, लाइक आपकी डिस्कशन भी हो जाती है इस तरह से, तो कभी हम बहुत सारी चीज़ें कन्वे भी करते हैं, बल्कि मुझे बहुत सारी जगहों पे कहा गया कि ये इमरान खान की तबलीग ज़्यादा मत किया करें आप। बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि या व्हाट आई वांट टू से इज़ कि बहुत सारे ओल्ड जो ख़वातीन हैं और मर्द हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी प्रेगनेंट ख़वातीन हैं जो कि उन जलसों में और बहुत सारी नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकती, लेकिन वो अपने घरों में ARY के साथ कॉन्टीन्यूसली इंटैच वो हैं, इन टच हैं, और ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें वो देख रहे होते हैं। तो हम सिर्फ ये नहीं, मतलब हम बहुत सारे लेमैन या बहुत सारे और लोगों को शायद कंसिडर करना भूल जाते हैं, जो कि वो किसी वजह से, किसी रीज़न की वजह से जलसों में और इन चीज़ों में जहाँ पे नंबर गेम प्रेजेंटेशन होती है वहाँ पे नहीं पहुँच पाते। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो जलसे में लोग मौजूद हैं सिर्फ वही हैं इमरान खान के साथ। इमरान खान के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि घरों में बैठ के सिर्फ ARY की कॉन्टीन्यूस ट्रांसमिशन देख रहे हैं और वो सारी सारी चीज़ें एक मोमेंट को वो फॉलो कर रहे हैं। अदलिया का जहाँ तक ये फैसला जो कल आया था, उसके लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि बड़े दुख की बात है कि एक चीज़, एक कानून, बहुत सारी लोगों ने क्लियर कट चीज़ें बता दी हैं क्या गलत है क्या सही है, तो उसके बाद ये डिले नहीं होना चाहिए था। उसके बाद जिस तरह से इमरान खान की वो रात थी जब वो डायरी लेकर चले गए, किस तरह से वो अदलिया और सारी चीज़ें हुई, मतलब फैसला हुआ, तो यहाँ पर भी उस तरह का कुछ स्टेप अप होना चाहिए था, बट ये फिर अफसोस की बात है कि वो नहीं हो सका। और तीसरी एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो ये कहना चाहूँगी कि आप लोग तो चलें डायरेक्टली इमरान खान के साथ आपका इंटरेक्शन है, या आप लोग कुछ ना कुछ पॉजिटिव रोल पॉलिटिकली कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लेमन लोग हैं, या जैसे मैं हूँ इवन, तो हम अगर कुछ सिवाय इसके कि जो हम ये जो पैसे की अगर कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं उस पर namanzoo.com लिंक पे डोनेशंस का, उसके अलावा अगर हम कुछ करना चाहें तो अपने वो क्या कहते हैं ग्रास रूट लेवल पे, तो हम क्या करना चाहेंगे, कोई डायरेक्शन ऐसे लोगों के लिए भी आप लोग दीजिए ताकि हम लोग अपने लेवल पे कुछ ना कुछ कर सकें। जाहिर हम उस तरह से हाई लेवल पे पॉलिटिकल लेवल पे नई चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हम जो अपने लेवल पे अपनी कॉलोनी, अपनी जो हमारे जो इर्द गिर्द जो जो पॉपुलेशन है, जो हमारी सुनती है, हम उस लेवल पे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो हमें अगर थोड़ा सा एक प्लान और इस तरह की चीज़ें ज़रा डिस्क्राइब की जाएँ ऐसे प्लेटफॉर्म पर, ताकि हम वो टास्क मुकम्मल करें, ताकि आने वाले इलेक्शन में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे ऑफिस से पीछे आए के साथ। जी थैंक यू डॉक्टर सुमैया रे, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग एंड गिविंग मी टाइम। नो थैंक यू, थैंक यू। बस वो क्वेश्चन ये था कि ये क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तीन चीज़ें फौरी तौर पर मेरे दिमाग में हैं ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए। एक तो वो जो उनकी कम्युनिटी है वहाँ पे, जो करीब लोग हैं वहाँ पे, उसकी वो करें, कैंपेनिंग करें। सेकेंडली जो उनकी पाकिस्तान में जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त हैं, उनके साथ जो है वो कम्युनिकेट करें, उनको एजुकेट करें, उनको फर्दर ट्रेन करें ताकि वो आगे लोगों को एजुकेट करें। और तीसरा सोशल मीडिया के ऊपर जितने ज़्यादा पैसे कंट्रीब्यूट करें निकालें, और जो भी खान साहब का नैरेटिव है या खान साहब की थॉट है या सोच है वो लोगों को बताएं। तो ये तीन चीज़ें के बारे में बता दें। थैंक यू सर। एक्चुअली मैंने करेक्ट, मैं आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो पाकिस्तानी लोगों के लिए आई एम रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तानी लोगों के लिए। जो ऐसे ही पिछले दो उनके जलसों में इस्लामाबाद में जो हुए थे हम भी अवेलेबल थे, बस यही था मेरे साथ। बहुत ही थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमैया। अच्छा जी, अब आखिरी हमारे स्पीकर हैं इम्तियाज तलहा। आई एम अब्दुल्ला भाई, काफ़ी ऑप्शन थे, तो पहला क्वेश्चन जो मेरा था वो तो भाई ऐसा मिस होगा। क्वेश्चन मेरा ये था कि टू थर्ड मेजॉरिटी इज एवर रियलिटी, आई मीन लुकिंग एट पावर ग्रुप्स एंड अशरफिया, तो ये
पॉसिबिलिटी है कि नहीं। और सेकंड क्वेश्चन ये था एस्टेब्लिशमेंट का रोल, आई माइट साउंड इग्नोरेंट बट आई एम, सो एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल था रिजीम चेंज में, अगर क्लियर हो जाए। और मे भी शायद उनका यानी कि फॉरेन कंस्पिरेसी हो हमारी आर्मी की या एस्टेब्लिशमेंट के लिए के इस तरह पोर्ट्रे करें कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उसको नेगेटिव पोर्ट्रे करें। तो एस्टेब्लिशमेंट का क्या था, और टू थर्ड और ऑब्वियसली अभी क्वेश्चन अपलोड होगा क्योंकि डॉक्टर साहब बोल चुके हैं और दिला भाई बहुत ऑप्टिमिस्ट थे। सो दैट्स इट। जी सर मैं जवाब दे दूं। जी जी प्लीज। अच्छा पहले तो आपका सवाल था टू जो टू थर्ड मेजॉरिटी है, तो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला हम टू थर्ड मेजॉरिटी लेंगे और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और मेरे ख्याल में ये इस वक्त हमारा पीक है और पूरी तरह होपफुल हैं इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर लेंगे। और जो आपका दूसरा सवाल था, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन के बारे में तो इदारों के बारे में बहुत सोच समझ के बहुत लिमिटेड बात करनी चाहिए, ऑफिशियल स्पेस है तो इस्टेब्लिशमेंट का वही रोल होना चाहिए जो उनका आइन में, और उस आइन में रहते हुए जो भी वो रोल अदा करेंगे और जिस तरह से अवाम ने 70 सालों में उनको सर पे बिठाया है तो इंशाल्लाह आगे भी बिठाएंगे उस तरह से उससे मोहब्बत करेंगे। और टू थर्ड्स की जो आपने बात की ना, उसमें देखें जो भी बाई इलेक्शन हुआ है उसमें अगर आप 20 में से 16 भी काउंट करें तो दैट्स मोर देन 3/4 मेजॉरिटी। तो उसका एक्चुअली प्रैक्टिकली एक डेमोंस्ट्रेशन हो चुका है कि जो सेंटिमेंट है इस वक्त आवाम का और जो आवाम आइडियोलॉजी को समझ बैठी है और इमरान खान के नज़रिए को समझ बैठी है और जो उसके साथ रेजोनेट कर रही है, आई थिंक टू थर्ड मेजॉरिटी इज़ डेफिनेटली अ रियल पॉसिबिलिटी। बाकी पावर ग्रुप्स हैं और इंट्रेंच्ड जो पॉलिटिशियंस हैं वो ज़ाहिर है अपनी सी कोशिश करेंगे कि ना मिले, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी बट इट्स डेफिनेटली पॉसिबल। और खान साहब का तो ये एक हमेशा का रहा है ना कि वो अपना गोल जो है वो बहुत ही हाई सेट करते हैं, तो आई एम श्योर इट विल बी द सेम। एंड हमारा जो काम है वो ये है कि वी कंटिन्यू टू स्टे पॉजिटिव, हम वी कंटिन्यू टू बिलीव एंड वी कंटिन्यू टू डू आवर बिट एंड व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट वी कैन कंट्रीब्यूट वी जस्ट कंटिन्यू टू डू दैट। विद दैट आई थिंक वी आर डन। हमारे सारे स्पीकर्स हो गए हैं। जिब्रान आप रैप अप कीजिएगा। नहीं नहीं आप लोग ही करें। अच्छा काफी अच्छा बोले, प्लीज कंटिन्यू। रे आप कीजिएगा रैप अप। चलें बहुत शुक्रिया आप सबका जिन्होंने भी सुना और जिन्होंने भी बात की और काफी ज्यादा जो है उससे एक दूसरे से बात करने में इंफॉर्मेशन में भी इजाफा होता है और नॉलेज में भी इजाफा होता है। तो इंशाल्लाह ताला दोबारा जिब्रान साहब जब भी जो है इसको स्पेस बनाते हैं तो हम दोबारा कनेक्ट करेंगे और मजीद बात करेंगे। उस वक्त अब्दुल्ला साहब ने काफ़ी तफसील में बात की, उसका मैं एक मुख्तसर एक लास्ट बिल्कुल कोट करना चाहूँगा, कुछ अपना ही ट्वीट कोट कर देता हूँ मैं जो मैंने आज किया था। इसके लिए मैंने ये सोचा था कि खान साहब की स्ट्रेटजी क्या होती है कि हमेशा वो आवाम को निकालते उसके बाद एक पॉइंट पर ला के एक लाइन पर ला के हम वापस आ जाते हैं। तो उसको मैंने जब अंडरस्टैंड किया तो मुझे ऐसा लगता है कि एक समंदर की आप देखते हैं लहरें होती हैं, जब वो लहरें समंदर की चलती हैं तो सामने एक चट्टान होती है मजबूत, वो जाती है टकराती है लहर वापस आ जाती है फिर लहर दोबारा बनती है। तो खान साहब 26 साल से मुसलसल स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप सोचें 26 साल पहले उस लहर की क्या स्ट्रेंथ थी और आज क्या स्ट्रेंथ है, तो आज की स्ट्रेंथ उस लहर की ज़्यादा है और वो ज़्यादा ज़ोर से जाके एक ऐसे निज़ाम एक फरसूदा निज़ाम से जाके टकराती है कि अब उसको वो इम्पेक्ट करती है। और इवेंचुअली जब लहर बार बार किसी चट्टान से टकराती है, जिन्होंने कराची में रहे उन्होंने अगर हॉक्स पे देखा या दुनिया में कहीं भी, तो वो एक वक्त आता है कि उस चट्टान को वो मिटा देती है। तो हमने उस लहर का हिस्सा बनना है, हम सब वो लहर का हिस्सा हैं। खान साहब जो हैं वो उस लहर को लीड कर रहे हैं और हमने जद्दोजहद करनी है, जहद मुसलसल है, जहाद है, इनकलाब यही है कि जो खान साहब हमें डायरेक्शन देते हैं हम उसी इनकलाब उस लिमिटेशन में रहते हुए इस इनकलाब के साथ चलेंगे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह बार आप सबसे मुलाकात। यार रे वो कहाँ है वो ट्वीट, उसको पिन कर ना 2 मिनट के लिए। सच अ गुड थॉट वो लहर वाला। हाँ और अच्छा एक बात रे और अमर, मेरे लिए एक फैन मोमेंट है बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है आप लोगों की ट्वीट्स
पढ़ पढ़ के बड़ा वाओ। तो बहुत फॉर्चुनेट आई फील टुडे कि आप दोनों को होस्ट है स्पेस के, यू फोक्स आर हीरोज। और बाकी लोग जो थे स्पीकर पे और सबने थॉट्स जो शेयर किए, मैं सच में कह रहा हूँ आज स्पेस वन ऑफ द मोस्ट इंसाइटफुल स्पेसेस दैट वी हैव एवर कंडक्टेड। इतनी ओरिजिनल थॉट, इतने आइडियाज, कमाल है यार आप लोग। बहुत लर्न करने का मौका मिलता है आप सबसे। आप लोग प्लीज़ आते रह करें। और बस माइक का मैं बता दूं कि जब 2000 लोगों की स्पेस होती है ना, तो आपको माइक्स वो दिखाते भी नहीं है, ट्विटर का जो इंटरफेस है होस्ट का। तो ये प्लीज़ याद रखिएगा। और दूसरा ये कि अगर दिख भी जाए तो भी, अगर 500 पीपल भी रिक्वेस्ट करते हैं, जो कि 1/4 है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि कितना हमारा हम एंथुजियाज्म सब में। तो 2000 में से कभी कभी 1500 भी रिक्वेस्ट हो सकती है। तो ज़्यादा लाइकलीहुड ये होता है कि ना मिले माइक वर्सेस द लाइकलीहुड ऑफ गेटिंग द माइक। तो प्लीज़ इस बात का ज़रूर वो रखा कीजिए। और चाहिए कि आप सबकी पेशेंस का बहुत शुक्रिया, आप सबके सपोर्ट का। तो मतलब मैं शुक्रिया, मैं तो कुछ नहीं हूँ, एक छोटा सा चौकीदार हूँ इस अकाउंट का आजकल, कल कोई और होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कभी कोई हमारी तारीफ कर रहा होता है ना, तो वो आप अपनी तारीफ कर रहे हैं, बिकॉज लिटरली हम सब एक ही उस पर, ना कोई किसी के ऊपर है, ना कोई किसी के नीचे, सब इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो थैंक यू, आप लोग लगे हुए हैं, आप हर वर्ड जब हम पढ़ रहे होते हैं हैश टैग्स पे, तो हमें इंस्पायर कर रहा होता है, हमें और आगे ले जाता है वो। तो थैंक यू। अच्छा रे, मैं वेट कर रहा था, वो आपने वो क्या पहन के, नहीं